तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घरेलू तरीके से दूध की फैट कैसे बढ़ाएं जी हाँ कुछ ऐसे तरीके हैं जो बिल्कुल फ्री हैं और यूनिक है जिनको देकर आप फ्री में अपने गाय भैंसों के दूध के फैट बढ़ा सकते हैं क्योंकि शीश पाल मलिक है तो डोंट वरी टेंशन नहीं लेने का पशुओं की हर समस्या हर बीमारी का इलाज अपने पास है तो जो ये कई भाइयों के कमेंट्स बार बार आते रहते थे कि सर हमारे गाय ऐसे दूध तो काफ़ी देती हैं लेकिन उनके दूध में फैट नहीं आ रही है तो दोस्तों कुछ ऐसे घरेलू तरीके इस वीडियो में बताऊंगा जिनको आप अपनी गाय भैंसों को देकर फ्री के जैसे उनके दूध के फैट बढ़ा सकते हैं तो वो क्या तरीके हैं कैसे देने हैं कितने दिन देने हैं वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टू फार्मिंग जोन तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लें नमस्कार राम राम सारे प्रमान सत जी बात तो बात बात तो बात तो और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए साथ ही हमारे फेसबुक पेज टूडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों दूध की फैट बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो तरीका है वो है सूखा चारा जिसमें फाइबर अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है तो दोस्तों ये आपने दलहनी और ए दलहनी और तूड़ा और पराली ये सब प्रकार का सूखा चारा अपने अपने पशुओं को खिलाना है चाहे आप अपने पशुओं को हरा चारा खिला रहे हैं चाहे दाना मिश्रण खिला रहे हैं चाहे टी एम आर खिला रहे हैं यानी कि टोटल मिक्स राशन चाहे तीनों चीज़ें खिला रहे हैं आपने अपने पशुओं को सूखा चारा देना ही देना है तो जो ये तीन चीज़ें हैं हरा चारा दाना मिश्रण और टी एम आर टोटल मिक्स राशन इनसे तुरंत पहले आपने अपने पशुओं को थोड़ा सा सूखा चारा जरूर खिलाना है उसके फील्ड में बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं बहुत सारे फार्मों में मैंने ये रिकमेंड किया वहाँ से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और सभी बोल रहे हैं कि इससे हमारे गाय भैंसों के दूध की फैट की मात्रा काफ़ी हद तक बढ़ गई है और अब उनका दूध अच्छे भाव बिक रहा है उनको अच्छा मुनाफा हो रहा है तो सूखा चारा अपने पशुओं को जरूर खिलाए उससे फैट बढ़ता है और पशुओं का जो रोमन के अंदर जो पाचन तंत्र होता है वो सही रहता है तो दोस्तों दूसरा तरीका है मीठा सोडा मीठा सोडा क्या करता है जो पशुओं के पेट के अंदर रोमन होता है जो उसमें माइक्रोफ्लोरा होते हैं उनकी जो मात्रा होती है जो संख्या होती है उनको बैलेंस रखता है कम ज़्यादा नहीं होने देता है और इससे आपके पशुओं का पाचन तंत्र बिल्कुल सही रहता है और पाचन तंत्र सही रहता है तो पशु अच्छा खाते हैं अच्छा दूध देते हैं और दूध में फैट की मात्रा भी अच्छी रहती है तो आपने अपने पशुओं को एक पशु के हिसाब से तीन चम्मच जो चाय वाले चम्मच होते हैं तीन चम्मच रोज का अपने पशुओं को जो भी दाना मिश्रण खिला रहे हैं उसमें मीठा सोडा मिलाकर जरूर देना है उससे फैट बढ़ जाएगी साथ में पशुओं का हाजमा भी सही रहेगा तीसरा तरीका है दोस्तों सरसों कुल के जो जितने अनाज होते हैं जैसे सरसों हो गई सरसों पीले रंग की भी आप दे सकते हैं और काले रंग की भी दोनों रंग की दे सकते हैं उसके अलावा राई हो गई जिसको हमारे हरियाणा में तोड़िया बोलते हैं वो भी आपने जरूर देना है और इसके अलावा तारा मीरा जो सरसों के कुल का ही होता है उसे भी आप दे सकते हैं तीनों में से कोई भी चीज आपको मिल जाए वो आपने 100 से डेढ़ सौ ग्राम उसका कच्चर बनाकर अपने पशुओं को दाना मिश्रण में मिलाकर जरूर खिलाना है चाहे तो आप तीनों चीजों में से थोड़ी 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 50-50 ग्राम तीनों भी ले सकते हैं या तो एक ले तो 150 ग्राम पूरी ले तो इससे भी आपके पशुओं के दूध में फैट बढ़ता है और वैसे भी दोस्तों सरसों के तेल को फैट बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है लेकिन जो सरसों का तेल आप देते हैं उसके एक बार तो अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे लेकिन आगे चलकर उसके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए मैं कहूँगा कि भाई सरसों का तेल ना दे उसके बजाय आप सरसों दे सकते हैं राई दे सकते हैं तोड़िया दे सकते हैं या तारामीरा दे सकते हैं जो कि सभी सरसों के कुल के ही हैं चौथा तरीका तरीका नहीं दोस्तों सावधानी है वो क्या है कि आपने दूध निकालने से पहले अपने पशु को पानी नहीं पिलाना है दूध निकालने से कम से कम दो घंटे पहले अपने पशु को कभी भी पानी न पिलाए उससे फैट की मात्रा अधिक आती है आप दूध निकालने के बाद अपने पशुओं को पानी पिला सकते हैं पांचवा तरीका ये भी दोस्तों तरीका नहीं है ये भी एक सावधानी है जो आपने दूध निकालते समय बरतनी है वो क्या है कि जब भी आप दूध निकालते हैं तो चारों थनों में से दस परसेंट यानि कि थोड़ा थोड़ा दूध पहले निकाल ले और उसको पीने के लिए अपने घर पर रख ले और अगर आपने बेचना है तो जो बाद वाला दूध है चारों थनों का वो निकाल कर बेचे क्योंकि दोस्तों जो बाद वाला दूध होता है उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो अगर आप बाद वाला दूध बेचेंगे तो उसमें आपको काफ़ी मुनाफा होगा तो दोस्तों ये थे कुछ फ्री के तरीके आगे कुछ पैसे अगर आप खर्च कर सकते हैं तो आपके पशुओं की दूध की फैट काफी मात्रा में बढ़ जाएगी उनमें पहला है दोस्तों बाईपास फैट पाउडर जी हाँ दोस्तों ये जो बाईपास फैट पाउडर है ये बनाए ही दूध की फैट बढ़ाने के लिए जाते हैं बहुत सारी कंपनियाँ अलग अलग नामों से अपने बाईपास फैट पाउडर बना रहे हैं तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का किसी भी अच्छे ब्रांड का बाईपास पाउडर आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं अपने पशुओं की दूध की फैट बढ़ा सकते हैं डोज कितनी देनी है देखो दोस्तों हर कंपनी के पाउडर की अलग डोज है तो जहाँ से आप खरीद कर लाओ उनसे आपने पूछना है कि भाई इस पाउडर की कितनी डोज यानी कि डेली का कितना पाउडर आपने अपने पशुओं को फैट बढ़ाने के लिए खिलाना है और वो कैसे खिलाना है वो भी पूछ लेना तो इसके अलावा दोस्तों एक और पाउडर है मिल्को पुरुना मिल्क बूस्टर ये आपके पशुओं के दूध में फैट की मात्रा को तो बढ़ाता ही है साथ में आपके पशुओं का दूध भी काफ़ी मात्रा में बढ़ा देता है क्योंकि मिल्क बूस्टर का मतलब ही होता है मिल्क को बढ़ाने वाला तो दोस्तों ये आपने रोज रात को जब आपका पशु खा पी कर बैठ जाता है तब आपने अपने पशु को ये रोज़ का पचास ग्राम पचास ग्राम ही गुड़ के साथ मिलाकर खिला देना है तो इससे भी आपके पशुओं का दूध भी बढ़ेगा दूध में फैट की मात्रा भी बढ़ेगी और अगर आपके नज़दीक में ये कहीं पर नहीं मिलता है तो साथ में इनका नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया है उस नंबर पर कॉल करके आप ये मंगा सकते हैं तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या पर कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें जिस भी पशुओं की समस्या पर या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा उसकी पूरी जानकारी दूँगा पूरा हंड्रेड इलाज बताऊँगा तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही जल्द ही मिलते एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ तब तक नमस्कार